ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਗਈ। दिल्ली तो बाद हुण जिला अमृतसर विच भी अजिहे ही पोस्टर लाए गए ने। इन्हां पोस्टरां नूं NSUI वल्लों लाया गया है। नैशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के सूबा प्रधान अक्षय शर्मा मुताबक मोदी सरकार वालों वड्डी मात्रा विच कोविड वैक्सीन विदेशां नूं वंड दित्ती गई अते हुण जदों देशवासियों नूं इस दी लोड़ है तां सूबा सरकारां नूं वैक्सीन ही पूरी नहीं दे पा रहे। उन्हां मांग कीती कि सरकार देश भर विच करोना वैक्सीन की मंग नूं पूरा करे। मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मैं NSUI दा स्टेट प्रेजिडेंट है। जिस तरीके दे नाल डेमोक्रेसी का पूरे हिंदुस्तान दे विच घाण कीता जा रहा है, कोई समा सीगा पूरे विश्व दे विच हिंदुस्तान डेमोक्रेसी दे देशां दे विच अव्वल देश सीगा। अज जिवें दिल्ली दे विच कुछ लोगों ने, नागरिकां ने सवाल पुछिया भी मोदी जी साडी वैक्सीन कित्थे है, साडी वैक्सीन क्यों विदेशां नूं भेजी गई। उन्हां मजदूरां दे खिलाफ़, उन्हां पोस्टर छपाउण वालियां दे खिलाफ़, उन्हां लगाउण वालियां दे खिलाफ़ FIR दर्ज कीती गई। उन्हूं देखते हुए जो असी FIR देखी तो असी खुद NSUI के स्टूडेंट के साडे लीडर्स ने सारे ने फैसला किया भी असी हर शहर के योजे पोस्टर लगावे तो अपने प्रधानमंत्री को सवाल पूछांगे भी साडी जी मैडिसन है वो विदेशों में क्यों जा रही है। उन्होंने पुछते हुए अज असी कहा भी जे तुसी उन्हां ते FIR कर सकते हो साडे ते भी करो, क्योंकि 2014 तो पहला फार्मेसी की दुनिया के साडा हिंदुस्तान अव्वल देशों के आउंदा सीगा, पर उहदे समय तो अज का समय की है। प्रधानमंत्री कह रहे ने स्टेट्स दीआं जिहड़ीआं सरकारां ने वो विदेशों तो खुद मैडिसन खरीदन, तो स्टेट के कोल रेवीन्यू कित्थे है? रेवीन्यू GST तो आना सीगा, वो तुसी 2018 तो बाद साडा GST वापस नहीं किया, हज़ारां करोड़ का GST पिया है, किन्ने पैसे थोड़े को लैण वाले है। जो साडे चीफ सैकटरी साहबान जाते हैं तो उन्होंने वापस भेज दें, तुसी कोई जवाब नहीं देंगे। हिंदुस्तान दे विच जिथे BJP रूलिंग गवर्नमेंट्स दीआं स्टेट्स नहीं ने, उन्हां नाल वितकरा क्यों किया जा रहा है? अज उन्हां स्टेट्स दे विच वैक्सीन पहुँचाई जा रही है, साडी स्टेट्स नूं वैक्सीन दित्ती नहीं जा रही। अज सियासत तो दूर हट के लोकां नूं मैडिसन पहुँचाउण दी, वैक्सीन पहुँचाउण दी लोड़ है। मोदी जी, सियासत आपां अग्गे भी बहुत कर ली, ऐसी कर ली कि आपां अज देश नूं इस तरीके नाल मजबूर कर दिता कि आपां जरूर सुनिया सीगा भी हॉस्पिटल च एडमिट होने सिफारिश की लोड़ पवे, आपां सुनिया सीगा भी कितों दवाई महंगी है, दवाई सस्ती कराउण की लोड़ पवे, कई ऐसियां सिफारिशां जरूर हुंदियां सीगियां। अज हिंदुस्तान दे विच पहला देश होएगा संस्कार कराउण लई, क्रिमिनेशन कराउण दे लई तुसी लोकां नूं सिफारिश की लोड़ पै रही है। एक कहो जिहा देश दे हालात बन चुके ने मोदी जी, इस दे उत्ते सानूं यूथ जरूर सवाल पुछेगा। वैक्सीन भी खत्म हो गई है, कितना देख रहे हो? देखो, वैक्सीन तो खत्म होनी है जो भेजनी नहीं सेंटर गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट वर्गियां एक कोर्ट्स ने, एक साडे सत्कारयोग कोर्ट्स ने, उन्होंने कहता भी तो जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है। ये जो नैशनल हैल्थ एमरजेंसी चल रही है उहदे विच गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है भी कल्ले कल्ले नागरिक तक हर सहूलत पहुँचावे, पर उस चीज़ों को देखते हुए अज गवर्नमेंट सेंटर की फेल है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के विच जारी लुट हो रही है जी, कितना देख रही है? देखो, उस चीज़ नूं लैके असीं पहलां भी मंग कीती है, जल्द तो जल्द CM साहब उस उत्ते भी फैसला लैण। दस दिए कि दिल्ली विच लगे पोस्टरां तो बाद पोस्टर लाउण वालियां सने कई लोगों खिलाफ़ दिल्ली पुलिस वालों करीब 25 तो वध मामले दर्ज किए गए सी, जिस तो बाद ट्विटर उपर भी इस खिलाफ खासा विवाद होया सी। ट्विटर उपर ही arrestme2 नाम का हैशटैग भी चलाया गया। राहुल गांधी सने वड्डियां हस्तियां ने अपने खात्यां ते पोस्टर पा के प्रधानमंत्री मोदी तो वैक्सीन संबंधी सवाल भी पूछे सी। अमृतसर तो हरजीत गरेवाल, पंजाबी लोक चैनल।